हैं और जितना राखी को समझने की कोशिश की जाए उससे राखी चार कदम आगे निकलती है। कहकर सबको चौंका दिया कि अब उनकी डोली दुबई में उठेगी। जी हाँ, राखी सावंत ने अपने एक लेटेस्ट वीडियो में तीसरी शादी का जिक्र किया और कहा कि आदिल दुर्रानी तो जिंदगी भर जेल में सड़ने वाला है, उसके चक्कर में वो कब तक सिंगल रहेंगी। अब भले ही लोग इस बात को मजाक ले रहे हो मगर ये बात सच होती दिख रही है, क्योंकि जो खबरें आ रही है उससे पता चला है कि राखी सावंत दुबई के एक शेख के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है और वाकई में दुबई में राखी सावंत तीसरी शादी करने जा रही है। शादी के लिए राखी के भाई राकेश सावंत के भी दुबई पहुंचने की खबरें हैं। तो अब किससे होने वाली है राखी की शादी, कौन है दुबई का वो शेख जिस पर अब राखी मेहरबान हो गई है, और क्या वाकई में राखी सावंत दुबई में तीसरी बार दुल्हनिया बनने जा रही है। तो दुबई की मीडिया के हवाले से जो जो अपडेट हमें मिल रही है वो सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें कि क्या राखी ने शादी को मजाक समझ रखा है, कमेंट जरूर करें। तो एक बार फिर से राखी के फैंस तैयार हो जाएं। राखी का एक बार फिर से बैंड बजने वाला है और बारात भी निकलने वाली है। दुबई मीडिया के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक राखी सावंत दुबई में तीसरी शादी की तैयारी में है और इस बार राखी सावंत दुबई के अरबपति शेख के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही है। जी हाँ, जिस राखी की पहली शादी में तलाक हो चुका है, दूसरे पति को जेल भिजवा चुकी है, वो राखी अब तीसरी बार दुल्हनिया बनने जा रही है। तो दुबई मीडिया से आई खबरों के बारे में आपको बताते हैं। तो दरअसल में खबर आ रही है कि राखी दुबई के जिस होटल में रुकी है वहाँ एक शेख के साथ वो रुकी हुई है और उस शेख का दुबई के अलावा कई अलग अलग देशों में बिजनेस है। दुबई में ही उस शेख की करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कई सारे अपार्टमेंट और अलग अलग देशों में व्यापार फैला हुआ है और इसी शेख के पैसों से राखी ने दुबई में एक्टिंग अकेडमी भी खोली है, ऐसी भी खबरें आ रही है। अब सूत्रों की माने तो राखी इसी शेख के साथ पिछले चार दिन से एक 5-स्टार होटल में रुकी हुई है और शेख के साथ चट मंगनी पट ब्याह के पूरे मूड में है और इसीलिए राखी ने मुंबई से अपने भाई राकेश सावंत को भी दुबई बुला लिया है। सामने आया कि राखी अपनी माँ की मौत के 1.25 महीने का इंतजार कर रही है और उसके बाद वो शादी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यहाँ आपको बता दें, राखी ने सोशल मीडिया पर शेयर किए अपने एक लेटेस्ट वीडियो में इस बात का हिंट भी दिया है। वो वीडियो राखी ने दुबई से ही शेयर किया है जिसमें राखी कहती दिख रही है कि अब उनका पूरा मन है कि वो आदिल की यादों से बाहर निकले और मूव ऑन करे। राखी ने वीडियो में ये भी कहा कि आदिल पर जैसे आरोप लगे हैं वो तो जब तक सांसें रहेगी तब तक जेल में ही रहेगा, अब आदिल के चक्कर में मैं क्यों सिंगल रहूं। राखी ने वीडियो में हंसते हुए ये भी कहा कि अब उनसे और सिंगल नहीं रहा जाता। हालांकि राखी के इस वीडियो को लोगों ने ड्रामे का हिस्सा समझा था मगर इस वीडियो में राखी जो तीसरी शादी का हिंट दे रही है वो पूरी तरह सच निकलता दिख रहा है। दुबई मीडिया की रिपोर्ट तो इस बात का साफ साफ इशारा कर रही है कि राखी दुबई में फिर से शादी की प्लानिंग में है। अब राखी ये शादी करती है तो राखी की ये ऑफिशियली तीसरी शादी होगी। पहली शादी राखी ने रितेश नाम के एक बिजनेसमैन से की थी जिसे लेकर भी राखी ने खूब ड्रामा किया था। पहले तो राखी ने उसका नाम नहीं बताया, पहचान नहीं बताई और फिर चेहरा नहीं दिखाया और महीनों की नौटंकी के बाद राखी उसे अपने साथ बिग बॉस लेकर चली गई। हालांकि राखी की ये शादी ज्यादा दिन नहीं टिकी। राखी ने रितेश को भी मीडिया के सामने खूब बदनाम किया था। राखी ने कहा था कि रितेश ने उसे धोखा दिया है। हालांकि बाद में राखी ने कोर्ट केस कर दिया और मोटी रकम लेकर रितेश से तलाक ले लिया। वही दूसरी शादी आदिल दुर्रानी से की जो कि राखी सावंत से उम्र में 17 साल छोटा है। आदिल से पहले पहले तो राखी ने दुबई में अपार्टमेंट खरीदवाया, 40 लाख की BMW गिफ्ट में ली और ऐसे ही कई करोड़ अपने खाते में डलवाए और फिर आदिल पर भी आरोप लगा दिया कि वो मारपीट करता है, शोषण करता है और आदिल को भी राखी ने जेल में डलवा दिया और आदिल अब भी जेल में ही है। और आदिल पर लगी धाराएं अगर साबित होती है तो वाकई में आदिल को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि खुद राखी ने एक वीडियो में कहा है कि मुंबई की ओशिवारा पुलिस के पास ऐसे सबूत ही नहीं है जो आदिल को लंबे समय तक जेल में रख सके। अब वही राखी सावंत तीसरी शादी दुबई के एक शेख के साथ करने जा रही है जिसका आधिकारिक ऐलान शायद बहुत जल्द हो जाए। फिलहाल तो राखी या उनके करीबियों ने शादी का ऐलान तो नहीं किया मगर खबरें आ रही है कि राखी जल्द ही तीसरी शादी दुबई में करने वाली है और इसके लिए उनके भाई भी मुंबई से दुबई पहुंच गए हैं। दुबई की मीडिया इस बात का दावा कर रही है कि राखी बहुत जल्द शेख के साथ
शादी करने जा रही है। तो इंतजार कीजिए राखी सावंत कब शादी का ऐलान करती है। वैसे राखी ने हर शादी के बाद और शादी से पहले खूब ड्रामा किया है, हर पति को कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाए, मगर हो सकता है कि राखी नए पति के साथ ऐसा ना कर पाए, क्योंकि दुबई और भारत के कानून में बहुत ज्यादा अंतर है। भारतीय कानून में कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, मगर दुबई में शेख लोग अपने खुद के कानून से चलते हैं। तो यहाँ राखी तीसरे पति को कोर्ट कचहरी तो कम से कम नहीं ले जा पाएगी। तो आपका राखी की तीसरी शादी पर क्या कहना है? क्या आदिल को जेल में डलवा कर खुद तीसरी शादी कर रही है राखी? ये कितना सही है, कितना गलत? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो राखी सावंत ने दुबई में आलीशान एक्टिंग एकेडमी खोली है। राखी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार अपनी एक्टिंग एकेडमी का धुआंधार प्रचार कर रही है, बहुत सारे वीडियोस डाल रही है। अब वीडियोस में साफ दिख रहा है कि राखी ने अपना बिजनेस सेट करने के लिए मोटा पैसा लगाया है। भले ही राखी कहे कि राखी को स्पॉन्सर मिले हैं, मगर कितने भी स्पॉन्सर मिल जाएं, एकेडमी तो राखी सावंत के नाम पर है, लिहाजा कई करोड़ राखी को भी इसके पीछे लगाने पड़े हैं। कुल मिलाकर राखी ने एकेडमी के पीछे खूब मोटा पैसा खर्च किया है। अब सवाल ये है कि ये पैसा आया कहाँ से? जी हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है कि राखी सावंत के पास इतना पैसा कहाँ से आया। दुबई जैसे महंगे शहर में आलीशान एकेडमी खोलने के लिए राखी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्योंकि राखी ने कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, टीवी रियलिटी शोज में सिर्फ इतना ही कमाया कि वो मुंबई में रह सके और अपनी लाइफस्टाइल को दुरुस्त रख सके। तो इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि राखी सावंत की खास दोस्त ने किया है, क्योंकि राखी ने उसे भी चीट किया है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो राखी सावंत की एक करीबी दोस्त ने मुंबई में एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा कि राखी बहुत ज्यादा सेल्फिश है, अपना मतलब निकलने के बाद वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती। दोस्त ने कहा कि अगर मेरा नाम सामने आ गया तो मेरा भी पत्ता साफ कर दिया जाएगा। वैसे भी राखी ने मुझसे वादा किया था कि वो दुबई में जब एकेडमी खोलेगी तो मुझे भी इनवाइट करेगी, मगर जब से राखी दुबई गई है तब से राखी ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, मेरे मैसेज का रिप्लाई करना तक बंद कर दिया, जबकि मैं राखी के साथ पिछले 10 साल से खड़ी हूँ। मैं हर सुख दुख में राखी के साथ रही हूँ। अभी हाल ही में भी जब राखी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही थी तब भी मैं राखी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, मगर मुझे हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। राखी ने अपनी एकेडमी का इनॉग्रेशन कर लिया और मुझे पूछा तक नहीं। दोस्त ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अब मुझे समझ में आ गया है कि राखी सिर्फ मतलब रहने तक यारी करती है, और जैसे ही कोई नया हाथ लगता है तो वो पुराने को छोड़ देती है। राखी प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो सबके सामने है, ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर है, मगर पर्सनल लाइफ में राखी बिल्कुल अलग है। वो मतलब के लिए दोस्ती करती है, इवन वो तो शादी भी मतलब के लिए करती है। सूत्रों की माने तो इंटरव्यू में दोस्त ने राखी की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि राखी ने पहले रितेश से शादी की, दुनिया भर का पैसा अपने अकाउंट में भर लिया और फिर रितेश को पूरी दुनिया के सामने भला बुरा कहकर उससे तलाक ले लिया और मोटी रकम एल्यूमनी के तौर पर वसूल ली। दोस्त ने इस इंटरव्यू में दावा किया कि जब राखी ने रितेश से शादी की थी, राखी को अच्छी तरह पता था कि रितेश पहले से शादीशुदा है। पहले राखी ने कुछ नहीं कहा, मगर जब राखी का रितेश से मतलब निकल गया तो उसने रितेश को धोखेबाज कहना शुरू कर दिया और कहा कि उसने शादी की बात छिपाई, जबकि राखी पहले दिन से जानती थी कि रितेश पहले से शादीशुदा है। रितेश भी नेम फेम के चक्कर में आ गया और राखी से शादी कर बैठा, मगर फिर दुनिया भर की बदनामी रितेश के हिस्से में आई। राखी तो हर बार की तरह मीडिया के सामने खुद को अबला कहकर प्रेजेंट करती रही। दोस्त ने आगे कहा, सेम आदिल के केस में भी ऐसा ही हुआ। आदिल की रईसी के बारे में राखी को पता चला तो राखी ने आदिल को डेट करना शुरू कर दिया, उसे नेम फेम और बॉलीवुड के सपने दिखाकर शादी कर ली, मगर आदिल से राखी को छुटकारा पाना आसान नहीं था, क्योंकि आदिल दिमाग से वाइज है, बुद्धिमान निकला, उसे कोर्ट और कानून की अच्छी समझ थी और सोशल मीडिया के जरिए उसने हिंट भी दे दिया था कि उसके साथ बुरा किया जा रहा है। इसीलिए राखी ने उसे रास्ते से हटाने के लिए पुलिस का सहारा लिया, और आदिल को तो खबर भी नहीं थी कि राखी ने उसके खिलाफ ओशीवारा थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। वो तो पुलिस जब गिरफ्तार करने आई तब आदिल बुरी तरह शॉक्ड था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि राखी इतना गिर जाएगी। दोस्त ने कहा, आदिल ये तो जानता था कि राखी मीडिया का सहारा लेकर उसे बदनाम कर रही है, मगर पुलिस को बीच में ले आएगी ये उसे पता नहीं था। फिर जो हुआ वो तो सबके सामने है। दोस्त ने कहा कि खुद को बेचारी और आदिल को राक्षस कहने वाली राखी की हकीकत अब लोगों के सामने आ रही है। आदिल बेचारा जेल में है और राखी आदिल के पैसों से दुबई
में एक्टिंग एकेडमी की मालकिन बन गई हैं। दोस्त ने कहा कि आप खुद देख सकते हैं कि बेचारा और लाचार कौन है, आदिल या राखी सावंत। अब राखी की ये जो भी दोस्त है उसने उस वेबसाइट को खुद का नाम और पहचान उजागर करने से मना कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी डर रही होगी कि उसके साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। मगर जब से उसे दुबई में राखी ने नहीं बुलाया तब से ही उसने राखी का पर्दाफाश करने की ठान ली और वेबसाइट को विस्फोटक इंटरव्यू देकर सबको चौंका दिया। तो हो सकता है कि राखी तक भी ये इंटरव्यू पहुंचे और राखी को झटका लग जाए कि उसकी सच्चाई सामने लाने की हिम्मत उसकी दोस्त ने दिखा दी है। खैर, आपका क्या कहना है? क्या राखी शादी सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए करती है? और वाकई में बेबस और लाचार कौन है? वर्तमान तस्वीर देखकर क्या लगता है? क्या जेल की चार दीवारी में बंद आदिल बेबस है या फिर दुबई की महंगी दुनिया में करोड़ों की मालकिन बनकर मौज काट रही राखी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।